नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज, डब्ल्यूएच न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सेवा दल, कांग्रेस के सेवा दल के राष्ट्रीय महासचिव लालजी मिश्रा और डॉक्टर अनिल वाघ जी आज हमारे साथ में हैं। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव हैं, इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वो नागपुर में आए हैं, रणनीति बना रहे हैं कि नागपुर महानगर पालिका में कांग्रेस का झंडा लहरा है, कांग्रेस की सत्ता आए, इस रणनीति को लेकर वो नागपुर आए हैं और सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। मिश्रा जी, क्या बताओगे कि नागपुर महानगर पालिका का चुनाव है और नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को एक मिनट नागपुर महानगर पालिका की चुनाव को देखते हुए क्या रणनीति बनाई है सेवा दल ने? हमने सेवा दल के सभी पदाधिकारियों से, सभी कार्यकर्ताओं से जो शहर के हैं उनसे चर्चा करके संगठन के संबंध में कौन कौन से पदाधिकारी हमारे सक्रिय हो करके और टिकट में जीत सकते हैं, जो जीताऊ कैंडिडेट हैं उनके लिए हम टिकट की मांग करेंगे। और साथ ही कांग्रेस के जो भी अधिकृत प्रत्याशी होंगे पूरे वार्ड में, हर वार्ड में हर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को जिताने का पूरी तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे। उसके लिए प्रत्येक वार्ड में हम एक टीम बना रहे हैं और उस टीम के सारे साथी जा करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और आपके जो उम्मीदवार कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार होंगे उनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। गुटबाजी भी कांग्रेस में देखी जा रही है नागपुर शहर के, विशेष खास करके नागपुर शहर में गुटबाजी ज़्यादा है कांग्रेस में, तो इस गुटबाजी को जो नाराज है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनको कैसे आप उनको समझाने का प्रयास करें? हम सब लोग कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन में काम करते हैं। हम सब लोग एक हैं और बड़ा लंबा परिवार है। लंबा परिवार में थोड़ा बहुत सैद्धांतिक मतभेद हर परिवार में होते हैं इसी, लेकिन हम सब लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे और उनको जो भी थोड़ा बहुत किसी की नाराज़गी होगी उस नाराज़गी को मिल करके और उनसे मिल बैठ करके चर्चा करके उनकी नाराज़गी को दूर करने का प्रयास करेंगे। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में क्या लगता है आपको, सत्ता कांग्रेस की आएगी? पूरा हमें पूरा भरोसा है कि नागपुर में जो महानगर पालिका है वो कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस के सब प्रत्याशी जीतेंगे। बाघ जी, आप नागपुर में आए हो और नागपुर में आने के बाद आप एक रणनीति तैयार कर रहे हो महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए, क्या है वो रणनीति? नागपुर शहर सबसे पहले ऐसा है कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ राष्ट्र संतों का और सभी साधु संतों की भूमि मानी जाती है और नागपुर में इस वक्त जो वातावरण है शिक्षा का, सबसे पहले नगर पालिका की जो यहाँ की शिक्षा की स्कूलें हैं, शिक्षा का दर्जा है, सबसे पहले उसको उठाने का प्रयास रहेगा। अभी जो बेरोजगारी आई हुई है महामारी के बीच में, उस बेरोजगारी को कैसा कंट्रोल करना, उन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसा देना, इसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। और नागपुर के जो ये जनरल समस्या है आम आदमी की, तो वो समस्याओं को हम पहले सुलझाएंगे, समझाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से समझकर फिर उसके ऊपर कैसा इम्प्लीमेंट करना है, ये इस प्रकार की एक सेवा दल के माध्यम से एक योजना तैयार हम कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम जनता के पास जाएंगे और जनता की और भी सारी बहुत सारी समस्याएं, हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र जो है ये पूरा ख़त्म हो चुका है, तहस नहस हो चुका है, हम प्रयास करेंगे कि हमारा यहाँ का जो नागपुर का नागरिक है वो सभी स्तर पर खुश रहे, सभी क्षेत्र का उसको फ़ायदा मिले और जो भी यहाँ यूथ है उन यूथ लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सशक्तिकरण का प्रोग्राम, महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी जी ने अभी नारा लगाया हुआ है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा हम पूरे शहर के युवा लड़कियों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमारी बहुत बड़ी योजनाएं बन रही है। वाघ साहब, आप पिछले जो महानगर पालिका के चुनाव में सेवा दल के कार्यकर्ताओं को भी उम्मीदवारी मिली, इसलिए 10 उम्मीदवारी की मांग किए थे, एक उम्मीदवार मिला था, 100% रिजल्ट दिए, वो उम्मीदवार आपने चुन के भी लाए, इस बार कितनी मांग करोगे सेवा दल के कार्यकर्ताओं को टिकट मिले इसलिए? हमारे बीच में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लाडले नेता और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोली जी से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि आप लोग काम में डटे रहो, आपका कोई भी जो आप लिस्ट हमको देंगे उसमें से एक भी आपका नाम काटा नहीं जाएगा और उसको आखिर तक मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि सेवा दल के पूरे कार्यकर्ताओं की इज्जत होगी और जो लिस्ट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको देंगे
शहर के माध्यम से उनके लिए मैं हमारा पूरा प्रयास रहा हूँ। शत प्रतिशत जो आपकी लिस्ट आएंगी उसमें से एक भी नाम आपका नहीं कटेगा, ऐसा हमारे आदरणीय नेता नाना भाऊ पटोदी जी ने हमको आश्वस्त किया हुआ है। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में कितने उम्मीदवार सेवा दल के रहेंगे, क्या मांग करोगे? हम आंकड़ा अभी नहीं बता सकते कि लालजी भाई देसाई और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय लालजी भाई मिश्रा जी के साथ में हम डिस्कशन करके नागपुर का एक सर्वे हमारा और बाकी है, वो सर्वे के बाद में हमारी जो चयन लिस्ट रहेगी वो लिस्ट हम इनके सुपुर्द करेंगे और उसमें से वो जब ऊपर लेवल पर, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ जो भी डिसीजन होता है ऊपर लेवल से डिसीजन होता है, उनके साथ बैठकर ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं उसके आधार पर आगे का नियोजन रहेगा, उसके बारे में आज आपको कुछ नहीं बता सकता। तो महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए वाघ साहब और मिश्रा जी नागपुर आए हैं जो कि सेवादल के नेता है, किस प्रकार से नागपुर महानगर पालिका में कांग्रेस का सत्ता है इसलिए वो एक रणनीति बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उनका एक खास उन्होंने बताया कि सेवा दल के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारी मिले इसलिए हम प्रयास करेंगे। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।